सारी थी उसमें, और उसमें ये भी था कि करप्शन करप्शन के नतीजे के अंदर ये सारा जराइम पेशा नासिर पुलिस के अंदर मुख्तलिफ महकमों के अंदर क्रिमिनल्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो एक पुलिस सिंध पुलिस के एक काला ऑफिसर ने मुझे भी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप नाम ना लें, लेकिन उन्होंने उनका कहना यह है कि दाइश का कोई सुराग हमें नहीं मिला, दाइश का कोई सुराग हमें नहीं मिला, नहीं मिला। इसमें कोई कलादन जमात हो सकती है, लेकिन दाइश के पंफलेट्स का हमें कोई सुराग नहीं मिला। और उन्होंने ये कहा कि कुछ अरसे पहले एक सियासी जमात के कुछ कारकुनों ने एक स्कूल के ऊपर क्रैकर फेंके थे जी, और क्रैकर फेंक के वहां पे दाइश के पंफलेट छोड़ दिए थे, और बाद में जब हमने उनको पकड़ा और इंटेरोगेट किया तो वो सियासी जमात के कारकुन थे। और उन्होंने कहा कि सर हमने तो, हमें तो हुक्म था कि ये वहां पे पंफलेट दाइश का फेंकना है जी, और तीन पंफलेट फेंके, कल एक नहीं फेंका गया बाय द वे, तीन पंफलेट फेंके गए, और तीनों में अलग अलग बात है, एक में कुछ और बात है, एक में कहीं रॉन वार है, एक में मतलब तीन वो, तो वो जहां से वो छपे थे वहां पर भी बाद में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने छापे मारे, वो प्रिंटिंग प्रेस भी पकड़ा गया, उन लड़कों ने कन्फेस भी कर लिया। तो आज के मामले जो कल सानिया पेश आए इसमें दाइश वाइश कहीं नहीं है बीच में, सही डॉक्टर साहब, इसमें रॉ का तो ऑफिशियल नाम आ गया ना, रॉ जी, लोकल कोलैबोरेटर्स उनके कौन से हैं। और मैं बार बार एक बात दोहरा रहा हूं, मैं कई दिनों से एक बात कह रहा हूं, और मेरी उस बात पे ध्यान में रखें कि क्रॉस लिंकेजेस हैं, ये ऐसे क्रॉस हो रहे हैं लड़के कराची में, ये वही लड़के काम करते हैं किसी एक जमात के लिए, कलदम मजहबी जमात के लिए वही करते हैं, सियासी जमात वो तो वही है, सही मतलब कभी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, कभी वो क्लीन शेव हो जाते हैं, कभी वो टोपी पहन लेते हैं, कभी सुल्मानी टोपी पहन लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, वही है। और वो तासुर ये दे रहे हैं कि वहां पे दाइश है, कलदम टीटीपी के लोग वहां पे हैं, वो अपनी जगह मौजूद है, कलदम जमातों के ये फिरका वारियत फैलाने वाले ये सब कुछ है जी। लेकिन इसके अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लड़के ऐसे हैं जो पकड़े जाते हैं, वो कलदम जमात के नहीं निकलते, वो सियासी जमात के मिलिटेंट विंग के निकलते हैं, उनको ऑर्डर होता है कि यहाँ पे ये डायवर्जन डायवर्ट करो इसको मजहबी जमातों की तरफ, दाइश वाइश की तरफ, क्योंकि दाइश एक ऐसा लफ्ज़ है ना पूरी दुनिया में बिकता है, दाइश वो कराची में दाइश आ गई तो बिकता है पूरी दुनिया में।